एबीपी न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है और आज वो बच्चे, बेरोजगार बच्चे जो नर्सिंग में मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे नर्सिंग कॉलेज में, लेकिन उनके साथ धोखा हुआ और आज वो सड़कों पर उतरे हैं, डीएम कार्यालय का घेराव किया है। ये बताइए, आप लोग आज डीएम कार्यालय आए हैं, एबीपी न्यूज के घंटी बजाओ में ये प्रोग्राम दिखाया गया, उसके बाद ये इतना जो बच्चे हैं वो सड़कों पर उतरे हैं, क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? सबसे पहले मैं एबीपी न्यूज वालों को धन्यवाद करना चाहता हूँ, हालांकि उन्होंने हम लोगों की बात अभी तक सब मीडिया, अपने मीडिया के जरिए सब लोगों के तहत रखे हैं। सबसे पहले मैं एबीपी न्यूज को धन्यवाद देता हूं। और खैर, हम लोग यहां एसडीएम के पास आए थे, एसडीएम मैम के पास, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम स्कूल पर सीओ के साथ गठित टीम के साथ भेज रहे हैं, वहां जांच पड़ताल होगी। लेकिन हमें कुछ ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि जांच पड़ताल को, हमें जो मुख्य दोषी है जिनके जिनके नाम हम लोग बता रहे हैं उनको गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, ये हम जानना चाहते हैं। और लोग हमारे साथ, ये बताइए एफआईआर हुई कि नहीं अभी तक? नहीं नहीं, अभी सर बोल रहे हैं कि आप मतलब एफआईआर डालो और 2 से 3 दिन का मौका हमें दे दो, उसके बाद में 2 से 3 दिन में हम उन सबको गिरफ्तार करके और आप लोग जो कार्रवाई करो कहोगे वो करेंगे, आप लोग अगर पैसा चाहते तो पैसा दिलाएंगे। तो ये खबर जब चलाई गई है घंटी बजाओ में एबीपी न्यूज पे, तो क्या इसके बाद कॉलेज प्रबंधन की तरफ से कोई मैसेज आया आप लोग के पास, कोई बातचीत करने का पहल हुआ? पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ एबीपी न्यूज का धन्यवाद, क्योंकि जनता तक हमारी बात को पहुँचाए हैं, हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हाँ, जब एबीपी न्यूज जब वहाँ पे गई थी तो जनता तक पहुँचाए, तो उस एबीपी न्यूज की वजह से हम लोग आज यहाँ पे आए हैं डीएम के सामने, हम लोगों की बात रखी गई है और 2 से 3 दिन में डीएम साहब बोले हैं कि कार्रवाई हो जाएगी। ये बताओ भैया, आपके हाथ में कुछ पन्नी में दिख रहा है, क्या है ये, किस तरीके से फ्रॉड किया गया है, ये दिखाइए जरा। इसमें जो मुहर है और भी मोहर इन लोगों ने जला दिया और उसको उठा ले गए, ये मोहर हम लोग कचड़े में से हम लोग को मिला, ये दर्जनों का, ये जो फर्जी मोहर होते थे जो सर्टिफिकेट पर लगा के दिए जाते थे बच्चों को, ये उड़ीसा के, आंध्र प्रदेश के, कहाँ कहाँ के ना जाने ये मोहर है, जो पूरी तरीके से फ्रॉड करने का एक सबसे नायाब तरीका ढूंढ निकाला था इन जालसाजों ने। तो ये मोहर आप लोग को कहाँ से मिले? ये कचड़े में से हमको मोहर मिला, हम लोग को ये फेंक दिए थे और बाकी जहाँ डॉक्यूमेंट जला दिए थे, सब जितने डॉक्यूमेंट इनके पास थे सब लेके कुछ चले गए, जो ले जा पाए और बाकी सब जला दिए। और ये जब खबर दिखाई गई एबीपी न्यूज पे, तो क्या इसमें कुछ आप लोग सड़क पे उतरे, क्या कार्रवाई हो रही? नहीं जी, मैं एबीपी न्यूज का मैं बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, इन्हीं के बदौलत हम लोग को इतना मिला है सपोर्ट, जो कि हम लोग डीएम के यहाँ आए हैं, नहीं तो इससे पहले कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। एबीपी न्यूज पे जब से चला है तब से ही कार्रवाई हो रही है। ये बताइए, आप भी नर्सिंग कोर्स कर रही थी वहाँ पे, कौन सा कोर्स? हम जीएनएम कर रहे थे वहाँ पे, मेरा 3 साल बर्बाद हो गया है, लेकिन अभी तक मेरे पास किसी ईयर का मार्कशीट नहीं। क्या मांग है छात्रों की, मांग क्या? मेरी मांग ये है कि हमको न्याय मिले, मेरा पूरा पैसा वापस किया जाए, टाइम तो वापस दे नहीं सकते हैं वो लोग, उनको गिरफ्तार किया जाए और मेरा पैसा वापस किया जाए। सर ये बताओ, आप लोग भी वो नर्सिंग कोर्स वहाँ कर रहे थे, आप लोग के साथ भी ठगी हुई है, तो अब जब ये खबर दिखाई गई उसके बाद असर होता कुछ दिख रहा है कि नहीं? सर पूरे 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 यूपी में, पूरे का हिंदुस्तान में जो न्यूज छा गई है बस्ती के फ्रॉड जो मामला आ रहा सरदार पटेल का, और मुझे सर उम्मीद है कि अगर आप लोग ऐसे सहयोग बनाए रखेंगे तो हम लोग को जरूर इंसाफ मिल जाएगा। क्या मांग क्या आप लोग की? सर हम लोग का पिछले समय तो मिल नहीं सकता, लेकिन सर हम लोग का आने वाला समय ना बर्बाद हो और आने वाले किसी बच्चों का समय ना बर्बाद हो, उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने का हम लोग का आदेश और हम लोग को पैसा हम लोग को देने का। देखिए ये बच्चे हैं नर्सिंग कोर्स कर रहे थे लेकिन इनके साथ फ्रॉड हो गया, तमाम बच्चे आप देख सकते हैं कि आज डीएम कार्यालय का इन लोगों ने घेराव किया है और मांग कर रहे हैं कि इनके इनके साथ जो फ्रॉड हुआ है उस पर कार्रवाई की जाए, मुकदमा दर्ज हो। इनका ये कहना है कि समय तो वापस नहीं हो सकता, लेकिन जो इनकी फीस इनसे ली गई थी, जो फीस इनसे वसूली गई थी वो इनको वापस कराया जाए और जो ये फ्रॉड करने वाले लोग हैं, जो स्कूल के प्रबंधक हैं या जो स्कूल के संचालक हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। डीएम के निर्देश पर जांच टीम जांच करने के लिए पहुंची हुई है और जांच टीम की अगुवाई कर रहे एडीएम कमलेश चंद्र जी यहां मौजूद हैं और तमाम जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी जांच कर रहे हैं, छात्र छात्राओं से बयान ले रहे हैं और पूरी जांच रिपोर्ट अब डीएम को सौंपने के बाद इस पूरे मामले पे कार्रवाई होगी। एडीएम साहब, आप यहाँ जाँच करने आए हैं, क्या कुछ अभी तक जाँच में मिला है? जाँच में यही मिला है कि सरदार पटेल हॉस्टल एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट पूरी तरह फर्जी था, ये 2018 से यहाँ संचालित था और इस साल उन्होंने छात्रों से फीस तो वसूल की है और फीस वसूल करके ये अचानक गायब हो गए हैं, तो बाकी छात्रों से बयान लिए जा रहे हैं और कुछ डॉक्यूमेंट भी छात्रों ने बताया कि उनके डॉक्यूमेंट भी यहाँ सीज हैं, तो उनको भी छानबीन की जा रही है, उसकी जांच रिपोर्ट के आधार पर गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। सर ये यहाँ पर नर्सिंग होम भी चलाया जा रहा था, क्या इसका रजिस्ट्रेशन पाया गया?
जैसा कि मैं जिस मेज पर बैठा हूं उसके सामने चीफ मेडिकल अफसर का एक लगा हुआ है जिसमें कि उसको 2022 में एक साल के लिए 10 बेड चलाने का अस्पताल संचालित करने का था, लेकिन उसका रिन्यूअल यहां पर नहीं है। कितने बच्चों की बात अभी सामने आई है जिनके साथ यहां ठगी हुई है? अभी तक जितने बच्चों की बात आई है तो लगभग 450 बच्चों के आसपास है। सर एक आप अभी जानकारी दे रहे थे, एक लिस्ट आपने आपको मिली है शासन स्तर पे, यहाँ सिर्फ 6 कॉलेज ही ऐसे पैरामेडिकल हैं जो रजिस्टर्ड है, इसके अलावा सारे फर्जी हैं। सर वो क्या जानकारी है, इससे जागरूकता भी बढ़ेगी? इस संबंध में भी जिलाधिकारी महोदय द्वारा मीडिया को ब्रीफ किया गया है, ये 6 कॉलेज हैं, इसके अलावा सब फर्जी हैं। अभिभावकों से एक जो है अपील भी की गई है कि इन कॉलेजों के अलावा कहीं पर अपने बच्चों का दाखिला न दिलवाएं। देखिए ये अपर जिलाधिकारी एडीएम है जो यहाँ जांच करने पहुंचे हैं और इस पूरे मामले पे बता रहे हैं कि रिपोर्ट तैयार की जा रही है, इसके बाद अब इस पूरे मामले पे कार्रवाई होगी, FIR दर्ज की जाएगी और जो भी दोषी है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी जिला प्रशासन की तरफ से एक्शन लिया जाएगा। एबीपी न्यूज के लिए बस्ती से सतीश श्रीवास्तव। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।